पूरे देश में रिएक्शन देखो, सरकार समझ नहीं पा रही, मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं, अमित शाह भी घमंड में अहम में चल रहे हैं, हालात बड़े बहुत ही नाजुक है देश के वैसे भी, एजेंसियों के जो मिसयूज हो रहा है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जुडिशियल दबाव के अंदर है, चुनाव आयोग दबाव में है, वो तो है ही है, पर साथ में जो है जो राहुल गांधी जी के साथ में जो व्यवहार किया गया एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ में, जिनके पिता शहीद हो गए देश के लिए, बम से उड़ा दिए गए, जिनकी दादी इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया, उनके परिवार के सदस्यों को एक टारगेट करके पहले सोशल मीडिया में उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, जो आप सब जानते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली वो बहुत पॉपुलर हुए, घबरा गई सरकार, उसी दिन से तय कर लिया मौका लगते ही इनको आउट करना है, पार्लियामेंट से निष्कासित करना है। उसका उदाहरण ये है, जो व्यक्ति गया था वहां सूरत के अंदर, वो केस 2019 का था, 2019 के केस को 4 साल के बाद में अचानक ही जो लेके आप आए हो, पहले हाईकोर्ट में जाके खुद नहीं, जो गया था उन्हें खुद नहीं रोक लगवा दी, अभी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा कभी होता है क्या? जिसका डिफेमेशन हुआ तो डिफेमेशन किसी का इंतजार करता है क्या? अगर वास्तव में डिफेमेशन हुआ है तो डिफेमेशन क्या इंतजार करेगा, उसको रुकवा दिया गया, स्टे करा दिया गया। और जब उनको सूट किया, उनको मालूम था कि इस केस को हम कभी जिंदा कर सकते हैं, जब चाहेंगे हम आउट कर देंगे पार्लियामेंट से इनको, वही हुआ। षड्यंत्र में क्यों कहता हूँ, बाबे षड्यंत्र है ये, इसलिए कहता हूँ क्यों तो केस को रुकवाया गया, हाईकोर्ट से स्टे कराया गया, और क्यों अचानक ही उसको लागू किया गया, वापस शुरू करवा दिया गया, और एक महीने फैसला आ गया। एक तरफ आपने बोलने दिया नहीं हाउस के अंदर, माफी मांगो माफी मांगो, और खुद ने डिस्टर्ब किया, सरकार ने डिस्टर्ब किया हाउस को, और दूसरी तरफ इस केस को जिंदा करके आपने 2 साल की सजा आज तक कभी नहीं हुई है इतिहास के अंदर, सजा दिलवा दी उनको, और अचानक सेकेंड डे ही आपने उनको निष्कासित कर दिया पार्लियामेंट से, और 3 दिन बाद में आपने मकान खाली करने का आदेश कर दिया। वो बंदा ऐसा है जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 32 साल से इस देश में किसी पद पे नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर बने, ना केंद्रीय मंत्री बने, मनमोहन सिंह जी को ऑफर करने के बावजूद भी, ना वो कोई राज्य में मुख्यमंत्री बने, किसी पद पे नहीं है, तब भी पार्टी के रैंक एंड फाइल कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर तमाम नेता जानते इस परिवार के साथ में हमारा जो रिश्ता है, जो इनका त्याग बलिदान कुर्बानी है वो तो अलग है, पर साथ में जो इनका जो सोच है, सब जाति सभी धर्म सभी वर्गों के सभी भाषा बोलने वाले लोगों को, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए आज 70 साल के बाद में इस परिवार को लोग याद करते हैं। फिर भी राहुल गांधी जी का नेम है, मॉरल ऑथोरिटी लेता हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं इस्तीफा दूंगा 19 चुनाव हारने के बाद में, और वो अपने इस्तीफे अड़े रहे, खड़गे साहब अध्यक्ष बने हैं, अभी हम सब लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, पर जो इनकी हरकतें हैं सरकार की, ये हरकतें मैं समझता हूँ कि इनको खुद को ले डूबेगी, क्योंकि आप मकान खाली करवा रहे हो, कितने लोग बैठे मकानों के अंदर, बंगलों में, यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है वो बैठे हुए हैं, और हर सरकार बैठे रहे थे, ये सरकार है जो आपने बंगला खाली करवा दिया और निष्कासित कर दिया, बड़े खुश हो रहे हो, लोगों की सहानुभूति राहुल गांधी के साथ में है।